This is me, Kuratul, and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my new video. Hope you all are doing well. So, aaj ji aap logon ka welcome hai with my family. This is Abdullah, my eldest one, my eldest son. आपने बहुत कम इसको वीडियोस में देखा होगा एंड टुडे अब्दुल्ला इज विद मी एंड जी हो गया हाई फाइव क्योंकि अब्दुल्ला इज गोइंग विद मम्मा एंड हमने जी अब्दुल्ला का स्टार्ट कराया है न्यू कोर्स दैट इज साइबर सिक्योरिटी शॉर्ट कोर्स दैट इज फॉर 4 मंथ. आपको पता है समर वोकेशन चल रही है एंड बच्चों को बिजी करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली उनको वहाँ बिजी करना ज़रूरी है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ पे आज थोड़ा सा इंटरेस्ट शेयर करती हूँ बच्चों का, अपने बच्चों का और आपके बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप लोग वो मुझे बताएं. अब्दुल्ला जो है ही इज़ माई एल्डेस्ट सन, उसके बाद अब्दुल हादी है, फिर अनीज़ है, नाबिया. तो अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा शौक शुरू से कंप्यूटर में है. आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर या डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक होता है उनको एक्सप्लोर करने का, तो अब्दुल्ला इज़ वन ऑफ देम. इसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हम लोग शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते रहते हैं. लास्ट समर्स में मैंने इसको कोडिंग का करवाया था एंड दिस समर साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अर्से से कह रहा था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, साइबर सिक्योरिटी करना है. तो फिर जी हम लोग ढूंढ रहे थे पहले ऑनलाइन कोर्स, लेकिन बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ऑनलाइन नहीं कराते बिकॉज आई बिलीव इन फिज़िकल एजुकेशन. तो फिर यहाँ दुबई में ही हमें एक इंस्टीट्यूट मिल गया जो कि 4 मंथ्स का कोर्स है और इसकी सैटरडे को क्लास होती है एंड दैट इज़ फॉर 6 आवर्स एंड साइबर सिक्योरिटी जो है दैट इज़ अमेजिंग. अगर आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ हैं और आप इसको अपने फ्यूचर में आप इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द लाइक हाइएस्ट पेड जॉब्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी की. खैर इसमें अब्दुल्ला का अपना इंटरेस्ट है तो हमने सोचा कि इसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं. तो वी हैव स्टार्टेड दिस एंड उसके बाद आ जाता है जी अब्दुल हादी. अब्दुल हादी इज़ अ स्पोर्ट्स बॉय, उसका स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और जी रोनाल्डो का वो बहुत बड़ा फ़ैन है, उसको अपना हीरो कंसीडर करता है. तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम अब्दुल हादी जो है मेरा छोटा बेटा वो आपको स्पोर्ट्स के कपड़ों में नज़र आएगा. आई मीन सोना जागना खाना पीना स्पोर्ट्स के कपड़ों में, घर में भी फुटबॉल, पाँव में होती है, स्कूल में भी जाएगा तो फुटबॉल. मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और जो बच्चे अपने पैशन को फॉलो करते हैं हम पेरेंट्स को उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. मतलब अगर आपका बेटा स्पोर्ट्स को लाइक करता है तो उसको डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए. प्रेशराइज करके बच्चों को कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएँ जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है. तो खैर हम लोगों ने उनके इंटरेस्ट को देखते हुए और इसी तरह फिर जैसी बेटियाँ हैं, अब अनीज़ा है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, लाइक शी लाइक्स टू डू फैशन, उसको मेकअप की चीज़ें जैसे हम लड़कियों को होता है, जो भी अच्छा नया मेकअप देखेगी, अच्छा नया बैग देखेगी, इवन दो शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आपको पता है एक सेंस का बच्चियों का आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है. तो उसको इस चीज़ में ज़्यादा है कि मेकअप, ज्वेलरी, नए कपड़े, अच्छे जूते, चीज़ें. और अनाबिया जो है शी इज़ लाइक उसको ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग करेगी और स्केचिंग करेगी, तो उसका अपना इस चीज़ में इंटरेस्ट है. तो बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. खैर अनीज़ा एंड अनाबिया दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बस उनको वैसे ही हम लोग एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाते हैं, लेकिन स्पेशली अब्दुल्ला एंड अब्दुल हादी क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं और अभी चारों बच्चों का फिर थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, लाना ले जाना, इस वजह से क्योंकि मैं भी लाइक आई एम अ वर्किंग वूमन, हस्बैंड भी काम पे जाते हैं तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें. तो जी मैं आ गई थी अब्दुल्ला को ड्रॉप करने के बाद ऑफिस आ गई थी और आमिर फिर अपने काम के लिए रवाना हो गए. आजकल आपको पता है कि मेरा अभी ड्राइविंग लाइसेंस कम्प्लीट नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं अभी पिक एंड ड्रॉप जो है वो अपने हस्बैंड से लेती हूँ. तो अभी यहाँ पर जी आफ्टरनून हो गया है और ये हमारे ऑफिस के नीचे एक पूरा जो है ये ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट्स, मतलब जैसी जैसी पूरे एक ग्रॉसरी स्टोर में चीज़ें होती हैं यहाँ सारी अवेलेबल होती हैं. तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक टाइम होता है काफ़ी सारे लोग अपना लंच बॉक्स नहीं लेके आते, फिर वो यहाँ आते हैं और जो चीज़ खाने को दिल करता है तो यहाँ से लेके जाते हैं. यहाँ पे रेडी टू ईट खाने के बोल्स भी पड़े हुए होते हैं, शॉर्मा, बर्गर, फास्ट फूड और देसी फूड, चिकन बिरयानी, लाइक एवरीथिंग पड़ी होती है. तो वहाँ से मैं लाई थी अपना लंच और लंच किया उसके बाद पेंट्री में जाके, तो जितना भी आई मीन लोग सब लंच लाए हुए होते हैं वो यहाँ बैठ के कोई भी नहीं खाता है, जाते हैं पेंट्री में, मतलब एक छोटा सा किचन बना हुआ है, वहाँ पर कॉफ़ी मशीन लगी हुई है तो सब उधर खाते
आते हैं और खाने पीने के बाद फिर इधर अपने ऑफिस डेस्क में वापस आ जाते हैं और यहाँ बैठ के काम करते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ ऑफिस में जी। जैसे ही शाम का टाइम होता है तो मुझे सख्त नींद आना शुरू हो जाती है और मेरी कोशिश होती है कि जी मैं एक्टिव रहूँ, और एक्टिव रहने से ही आप अपने काम पर सही फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो गया और आमिर मुझे पिक करने के लिए आए हैं, तो मैं बाहर आ गई हूँ और इस टाइम जी काफ़ी हसल बसल चल रही है क्योंकि सब लोग जो है वो रवा दवा है अपने घरों के घर जाने के लिए, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ इसलिए आपको नज़र आ रही हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू देयर होम। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बेड स्पेस वगैरह में रहते हैं और नियर टू एरियाज़ में रहते हैं, तो वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। हमने देखा होगा बस भी गुजर रही थी, उसके साथ साथ जो लोग हैं वो कार पूल करते हैं, मतलब मिलजुल के गाड़ियाँ, और काफ़ी मैंने देखा है वैन्स भी खड़ी होती हैं जिसमें लोग एक साथ बैठ के जाते हैं और फिर उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाती है। तो इस वजह से जी यहाँ पर चमक दमक बढ़ गई है। और ये देख लें मेरी आँखों में इस टाइम शदीद दर्द है और मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है। खैर ये तो चलता रहता है जी, जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है और आप थकते भी हैं, और इसी थकने में मज़ा होता है क्योंकि जब आप फ्री होते हैं तो फ्री रहने में मज़ा नहीं है। यकीन करें जब आप फारिग होते हैं तो आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं और कभी उदास होते हैं कभी खुश होते हैं, लाइक मिली जुली कैफियत रहती है। लेकिन जब आप बिज़ी होते हैं आपको ना कुछ सोचने का वक्त मिलता है ना कुछ आप अपने जो आपके पसंद के काम होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो आप वीकेंड्स पे कर लेते हैं हल्ला गुला। इसलिए जो वर्किंग लोग होते हैं उनकी लाइफ में वीकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर जब हम फारिग रहते हैं ना तो फिर हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बातें आते हैं, नेगेटिविटी आती है। तो इस वजह से कहते हैं ना खाली घर शैतान का। हाँ तो इस वजह से अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखें अपने अंदर कि आपका इंटरेस्ट क्या है, वो काम करें, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको फॉलो नहीं करें, अपने पैशन को फॉलो करें। और यहाँ पर जी आप पाकिस्तानी होम अब्रॉड को तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ हम रुके हुए हैं, मैं आमिर के साथ जा रही हूँ, तो हम लोग फिर आपस में जी बातें करते रहते हैं। ये देखें पेडिस्ट्रियन का साइन जो है वो ग्रीन है। जब पेडिस्ट्रियन का साइन ग्रीन होता है तो जी वहाँ गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं। यहाँ पे दुबई में रूल्स में है ये कि आप अगर कोई बंदा गुजर रहा है तो आप चलती हुई गाड़ी भी फ़ौरन रोक दें, आप आगे गाड़ी नहीं बढ़ा सकते। पेडिस्ट्रियन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जी आप जाके एकदम गाड़ी रोकें और उसको डरा दें, नहीं, आपने आराम से पीछे गाड़ी रोक है। यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई गुजर रहा हो तो आप हॉर्न भी एकदम नहीं दे सकते ताकि पेडिस्ट्रियन डर नहीं जाए। तो जी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये कंट्री सेफ है और यहाँ के लोग सेफ हैं, खुश हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज की जो वीडियो है आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं जी इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ इसी सेम नाम के साथ, पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Bye bye.